जादुई तीन पेड़ का तीन पर्स। सोनपुर गांव में हर्षिता अपनी माँ अनुपमा और दादी कौशल्या के साथ रहती थी। हर्षिता जब बहुत छोटी थी तभी उसके पिता का देहांत हो गया। उसके बाद घर की सारी जिम्मेदारी अनुपमा के ऊपर ही आ गई थी। अनुपमा घर चलाने के लिए बाजार में लकड़ियों के सुंदर सुंदर पर्स बेचा करती थी, लेकिन उससे उतनी ज्यादा कमाई नहीं हो पाती थी। अनुपमा किसी तरह से रूखा सूखा खाकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रही थी। एक दिन अनुपमा की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। माँ, आज आप पर्स बेचने मत जाओ, बाहर मौसम भी ठीक नहीं है और आपकी तबीयत भी मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। प्लीज माँ, आज मत जाओ। मैं ठीक हूँ बेटा, तुम चिंता मत करो, तुम घर में अपनी दादी का ध्यान रखो, मैं जल्द ही कुछ पर्स बेचकर वापस आ जाऊंगी। और फिर अनुपमा पर्स लेकर बेचने चली जाती है। अनुपमा गांव में घूम घूम कर पर्स बेच रही थी, तभी कमजोरी की वजह से अचानक से उसे चक्कर आ जाता है और वो रोड पर अचानक गिर जाती है। तभी एक तेज रफ्तार में आती हुई गाड़ी अनुपमा के ऊपर से होते हुए गुजर जाती है और अनुपमा की वही मौके पर ही मृत्यु हो जाती है। जब ये खबर हर्षिता और उसकी दादी तक पहुंची, तो वे लोग वहां भागते हुए आए। माँ, माँ ये आपको क्या हो गया? माँ उठो ना, माँ प्लीज, माँ माँ आप ऐसे छोड़कर हमें नहीं जा सकती। माँ वापस आ जाओ, माँ मैं आपके बिना नहीं रह सकती। माँ प्लीज, माँ उठ जाओ, माँ आँखें खोलो। उसके दादी कौशल्या ने किसी तरह से हर्षिता को संभाला और उसे बहुत समझाया और फिर उसकी माँ अनुपमा का दाह संस्कार कर दिया। घर आने के बाद, ये सब क्या हो गया दादी, अब हमारा ध्यान कौन रखेगा? माँ हमें छोड़कर क्यों चली गई दादी? दादी अब हम कैसे रहेंगे? अपने आप को संभालो बेटा, सब ऊपर वाले की मर्जी से ही होता है। जो आया है उसे एक दिन वापस जाना ही है, फर्क बस इतना है कोई जल्दी चला जाता है तो कोई बाद में। हिम्मत से काम ले बेटा, अभी तेरे आगे तेरी पूरी जिंदगी पड़ी है, हिम्मत रख बेटा, सब ठीक हो जाएगा। अनुपमा के गुजर जाने के बाद अब घर में कोई भी कमाने वाला नहीं बचा था। बूढ़ी दादी थी वो भी लाचार रहती थी। घर में जो कुछ भी बचा था अब वो सब खत्म हो गया था। एक दिन हर्षिता को बहुत ही जोरों की भूख लगी और वो अपनी दादी के पास जाकर कहती है, दादी मुझे बहुत ही जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो ना। बेटी आज पानी पीकर ही सो जाओ, कल मैं कुछ इंतजाम करती हूँ। हर्षिता उदास मन से पानी पीकर सो जाती है। अगले दिन कौशल्या गांव की सेठानी के पास कुछ पैसे उधार मांगने जाती है। मालकिन मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। मालकिन मेरे घर में खाने को एक दाना नहीं है, दो दिनों से मेरी पोती ने कुछ नहीं खाया, बदले में मैं आपके घर का सारा काम कर दूंगी, आप जो बोलोगे सब करूंगी, कृपया मुझ गरीब बुढ़िया पर रहम करो। हमारा घर कोई खजाना नहीं है जो मुंह उठाकर यहाँ आ गई पैसे मांगने। अरे तुझे पैसे दे भी दी तो तू मेरे पैसे कैसे चुकाएगी? क्या देखकर मैं तुझे पैसे दूँ? हाँ, और तुझ बुढ़िया को अपने घर में क्या काम दूँ? काम करते करते किसी दिन मर मरा गई तो वो भी जान पर आफत। अब तुम्हें अपने यहाँ कोई काम नहीं दे सकती और नहीं उधार पैसे दे सकती हूँ, तुम कहीं और जाकर मदद मांगो। कौशल्या निराश मन से घर आ जाती है। तभी कौशल्या की नज़र घर में रखे पर्स पर जाती है और वो एक टोकरी में सारा पर्स भरकर उन्हें बेचने का फैसला करती है। वो उस पर्स को बाजार में बेचने चली जाती है। पर्स ले लो, पर्स सुंदर सुंदर पर्स ले लो। इसी तरह कुछ लोग कौशल्या का पर्स खरीदते हैं जिससे कौशल्या के पास कुछ पैसे आ जाते हैं। वो उन पैसों से घर के लिए आटा चावल लेकर आ जाती है। उस दिन तो वो लोग आराम से खाना खाकर सो जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाता है। फिर एक दिन कौशल्या की भी तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। अब तो वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। हर्षिता के पास अपनी दादी के इलाज के लिए एक भी रुपए नहीं थे और न ही उसके पास उतने पैसे बचे थे कि वो मार्केट से और पर्स लाकर उसे बाजार में जाकर बेच सके। अब हर्षिता के पास काम ढूंढने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। हर्षिता काम ढूंढने के लिए निकल जाती है। पूरा दिन गुजर जाता है लेकिन हर्षिता को कोई काम नहीं मिलता।
वो पूरे दिन घूम घूम कर थक गई थी। निराश मन से वो घर की तरफ वापस आ रही थी, तभी उसने रेड लाइट पर कुछ बच्चों को गाड़ी का शीशा साफ करते हुए देखा, जिससे लोग उन बच्चों को कुछ पैसे देकर जा रहे थे। हर्षिता भी वहीं जाकर खड़ी हो गई। जैसे ही एक बड़ी सी गाड़ी उसके सामने आई, वो उसके शीशे को साफ करने लगी, लेकिन वो गाड़ी वाला उसे बिना कुछ दिए वहाँ से चला गया। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, न ही मुझे कोई काम पर रखने को तैयार हो रहा है, न ही मैं कुछ कर पा रही हूँ। मैं अपनी दादी का भी ख्याल नहीं रख पा रही हूँ। ऐसा ही रहा तो मेरी दादी भी एक दिन मेरी माँ की तरह मुझे छोड़कर चली जाएगी। नहीं नहीं, मैं अपनी दादी को ऐसे मरने नहीं दे सकती। तभी हर्षिता के सामने एक और बड़ी सी गाड़ी आकर रुकी। हर्षिता ने उत्साह से उस गाड़ी के शीशे साफ किए। तभी उस गाड़ी की मालकिन ने उसे 20 रुपए का एक नोट दिया और वहाँ से चली गई। हर्षिता को कुछ पैसे मिल गए थे, इसलिए वो अब खुश होकर घर की तरफ जा रही थी। लेकिन तभी रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत दिखी। उस बूढ़ी औरत ने हर्षिता को आवाज लगाया, बेटी मुझ गरीब की मदद कर दे। बेटी, भगवान तेरी मदद करेगा। मैंने पिछले 3 दिनों से कुछ नहीं खाया है, भूख के मारे अब तो शरीर भी काम नहीं कर रहा। मुझ गरीब को खाना खिला दे बेटी, तुम्हारा बहुत भला होगा। हर्षिता उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर बहुत ज्यादा उदास हो जाती है और काफी देर सोचने के बाद बोलती है, चलिए मैं आपको अभी खाना खिला देती हूँ। हर्षिता के पास जो 20 रुपए थे, वो उन पैसों से खाना खरीदकर उस बूढ़ी औरत को दे देती है। लीजिए अम्मा जी, खाना खा लीजिए। बूढ़ी औरत खाना खाकर बहुत खुश होती है और हर्षिता को खूब सारा आशीर्वाद देती है। हर्षिता निराश मन से वहाँ से उठकर घर जाने लगती है। अब मैं घर जा रही हूँ दादी जी, अब मैं घर जाकर दादी को क्या जवाब दूंगी? आज भी मुझे कोई काम नहीं मिला, घर में खाने के लिए अन्न का एक दाना नहीं है। तभी पीछे से एक बहुत ही सुरीली आवाज आती है, हर्षिता। ओ हर्षिता। हर्षिता जब पीछे मुड़कर देखती है तो उसके पीछे एक बहुत ही खूबसूरत परी खड़ी थी। हर्षिता परी को देखकर हैरान हो जाती है और बोलती है, तुम कौन हो और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? मैं खुशी परी हूँ और मैं परीलोक से आई हूँ। मुझे तुम बहुत ही ज्यादा दुखी लग रही थी, इसलिए मैंने तुम्हारा पीछा किया और तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए बूढ़ी भिखारन बनकर तुमसे मदद मांगी। लेकिन तुम तो एक बहुत ही दयालु लड़की हो, मुझे तुम बहुत अच्छी लगी। तुमने मेरी मदद की, अब बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? तुम मुझसे कुछ भी मांग सकती हो। हर्षिता परी की बातें सुनकर परी को अपने घर के बारे में सब कुछ बताती है। सारी बातें सुनने के बाद परी की आंखें भी नम हो जाती है। उसके बाद परी हर्षिता से कहती है, हर्षिता मैं तुम्हें जादू 3 पर्स का पेड़ देना चाहती हूँ। पहले पेड़ से तुम जितना चाहो उतना मनपसंद खाने पीने की चीजें मांग सकती हो, और दूसरा पेड़ तुम्हें तुम्हारे मनपसंद कपड़ा देगा, और तीसरा पेड़ तुम्हें जादुई पर्स देगा। उन पर्स को तुम बाजार ले जाकर बेचना, जिससे तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। अब तुम खुशी खुशी अपने घर जाओ, तुम्हारे आंगन में तुम्हें वो 3 पर्स का पेड़ मिल जाएगा। हर्षिता खुशी खुशी अपने घर आती है और देखती है उसके आंगन में 3 खूबसूरत पर्स के पेड़ लगे हुए हैं। हर्षिता पहले पेड़ से बोलती है, हे जादुई पर्स के पेड़, मुझे खाना दो। उसके बाद जादुई पर्स के पेड़ से तरह तरह के खाना और साथ में खाना बनाने का सारा सामान प्रकट हो जाता है। हर्षिता खाना लेकर अपनी दादी के पास जाती है और दोनों दादी पोती भर पेट खाना खाती है। उसके बाद हर्षिता अपने दूसरे पेड़ से खुद के लिए और दादी के लिए कपड़े मांगती है। अब मैं इस तीसरे जादुई पेड़ से पर्स तोड़कर बाजार में बेचने जाया करूंगी और उससे अपनी दादी का सबसे अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाऊंगी। फिर अगले दिन सुबह होने पर हर्षिता उस पेड़ से पर्स तोड़कर बेचने बाजार में जाती है। हर्षिता का पर्स इतना ज्यादा सुंदर था कि लोग उस पर्स को देखते ही खरीदने लगे। पहले ही दिन हर्षिता की बहुत अच्छी कमाई हो गई और वो उन पैसों से अपनी दादी का सबसे अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करवाती है। कुछ ही दिनों में उसकी दादी पूरी तरह से ठीक हो जाती है।
जादुई पर्स का पेड़ उसे हर रोज सुंदर सुंदर पर्स देता था और वो उस पर्स को बेचकर जल्द ही बहुत ज्यादा अमीर हो गई। कौशल्या की तबीयत भी अब बिल्कुल ठीक हो गई थी। फिर दोनों दादी पोती मिलकर पर्स से मिले पैसों से पर्स का एक बहुत बड़ा शोरूम खोलती है और खुशी खुशी रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल चंदा टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी कर ले। तो मिलती हूँ आपसे फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।